मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तीखा वार करते हुए चौथा सवाल पूछ लिया है। शिवराज ने कहा, कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि किसानों को फसल बीमा का लाभ देंगे, लेकिन 18 महीनों में उन्होंने किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। शिवराज और कमलनाथ के बीच का वार प्रतिवार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिवराज ने चौथा सवाल पूछते हुए कहा कि कमलनाथ जी, आपने ग्राम सभा की अनुशंसा पर वचन पत्र में कहा था कि आप फसल बीमा देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। आपने 2018 के वचन पत्र का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हमने अब तक किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए डाल दिए हैं, आपने क्या किया? शिवराज ने कहा, आप जनता से झूठ बोलते हैं और आप मुझे झूठा बता रहे हैं। कमलनाथ जी, बार बार मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन झूठ का पुलंदा यह है कमलनाथ जी, आपका पूरा पुलंदा। यह वचन पत्र आपका झूठ का पुलिंदा, झूठ आपने बोला, धोखा आपने दिया, भ्रमित आपने किया, यह पुलंदा है वचन पत्रों का। सवा साल में पूरे नहीं की, कौन सा पूरा किया बता दे कमलनाथ। अब लोगों को फिर ठगने और छलने निकले हो, ये ठगने का खेल हम चलने नहीं देंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।